हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे हम देखेंगे आज के द हिंदू के शॉर्ट नोट में 23 अगस्त के क्या क्या हमें मेंशन करना है। तो चलिए देखते हैं। पहला है सेक्शन 8 आरपी एक्ट, यानी कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2013 के जजमेंट में कोर्ट ने कहा है कि इनवैलिडेटेड सेक्शन 8(4) ऑफ आरपीए एक्ट। तो मतलब इनवैलिडेट किसको बोला है, सेक्शन 8 सब क्लॉज 4 को आरपी एक्ट में, और अलाउ किया है 3 month पीरियड विद इन विच टू अपील, कि 3 month का पीरियड दिया है अपील करने के लिए। तो बस इतना इसमें जानने की ज़रूरत है। अब जैसे कि डिसक्वालिफिकेशन को लेकर के बात लगातार आ रही है जो कि हम डिस्कस कर रहे हैं, तो आपको पता होगा ये किससे रिलेटेड आ रहा है। ये आ रहा है राहुल गांधी से रिलेटेड, ठीक है, राहुल गांधी से रिलेटेड। ओके, अब आपको इसमें क्या चीज़ जाननी है। ओके, तो इसमें क्या अलाउ किया है, 3 month का अलाउ किया गया है इसमें, 3 month पीरियड विद इन विच टू अपील। अब ये साइंस एंड टेक का है जो कि हमने कल या परसों में डिस्कस ऑलरेडी किया था, लूना 25 जो कि रशियन स्पेस क्राफ्ट है, तो ये फेल हो गया है। ठीक है, क्या हो गया है, फेल हो गया है। उसके लिए इसमें क्या कहा जा रहा है ये देखेंगे, वर्क फॉर मोर देन 2 decades। तो ये इस पर काम जो है इनका लूना 25 पे, ये मोर देन 2 decades से ये इस पर वर्क कर रहे हैं। इनिशियली इसका नाम था लूना ग्लोब, ठीक है, इनिशियली इसका नाम था लूना ग्लोब। तो ये याद कर लो, क्या पता इससे रिलेटेड पूछ ले कि इनिशियली क्या कहते थे। रॉसकॉस्मोस ने क्या कहा है, जैसे हमारा इसरो है ऐसे इनका है रॉसकॉस्मोस। तो उन्होंने कहा है कि मिशन का पर्पस जो था इंश्योर करना था रशिया गारंटीड एक्सेस टू मून सर्फेस, ठीक है, पर ये फेल हो गया है। जिसका रीज़न इन्होंने दिया है कि रॉसकॉस्मोस ने कि पुट टुगेदर अ कमिटी, मतलब वो कह रहे हैं कि एक कमिटी बनाएंगे जिसमें इन्वेस्टिगेट करेंगे कि क्या एक द प्रिसाइज मोड ऑफ फेलियर ऑफ लूना 25, कि फेलियर का रीज़न क्या था, इसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए ये लोग क्या बनाएंगे, कमिटी। कहा जा रहा है इसमें 2-3 रीज़न दिए गए हैं जिसमें से टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से ये फेल हुआ, अप्लाइड मोर थ्रस्ट देन रिक्वायर्ड, कि थ्रस्ट ज़्यादा अप्लाई किया गया जितना रिक्वायर्ड था उससे ज़्यादा, इस वजह से फेल हुआ, तो इसके लिए है। अब ये इन्वायरमेंट में भी आप इन्वायरमेंट का कर सकते हो आप, प्रोटेक्टिंग बायोडाइवर्सिटी ऑफ नॉर्थ ईस्ट। तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि नॉर्थ ईस्ट में बायोडाइवर्सिटी के प्रोटेक्शन को लेके बात की जा रही है। तो इसमें कहा जा रहा है फॉर टूरिज़्म नीड इंफ्रा डेवलपमेंट, कि टूरिज़्म के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की ज़रूरत है, थ्रू विच स्टेट जनरेट रेवेन्यू, जिससे स्टेट जो है वो जनरेट कर सके रेवेन्यू एंड क्रिएट कर सके एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है। ऑफेंस रिलेटेड टू और अगेंस्ट इन्वायरमेंट, जैसे कि टेकन शेप ऑफ पब्लिक नुआंसेस अंडर सेक्शन 268-290, मतलब पब्लिक जो न्यूसेंस है वो किसके किसके अंदर, 268 से लेके 290 ऑफ आईपीसी एक्ट। तो ये लाइन भी याद रखनी है। अब इसमें बताया जा रहा है डीलिंग विथ, इससे किससे डील करते हैं, जो ये बता रहा है ना कि सेक्शन 268-290 ऑफ आईपीसी 8060 वो डील करती है पोल्यूशन ऑफ लैंड एयर एंड वाटर, मतलब पोल्यूशन लैंड एयर एंड वाटर से रिलेटेड डील किया जाता है सेक्शन 268-290 ऑफ आईपीसी 8060 के, ठीक है। ओके, सिक्स्थ शेड्यूल की बात की जाए, सिक्स्थ शेड्यूल, ठीक है, इसमें कहा जा रहा है ग्रांट ऑटोनॉमी टू डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स, और ये क्या है, लिमिट अथॉरिटी ऑफ स्टेट ओवर मैटर परटेनिंग ज्यूरिडिक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, ज्यूरिडिक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल इंक्लूडिंग यूज ऑफ लैंड। नॉर्थ ईस्ट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्कीम जो है इनकी NEIDS 2017, वो किस बता रहे हैं कि ये स्टेप है राइट डायरेक्शन, कि कैसे इंश्योर करा जाए जो भी पोल्यूशन और ये सब चीज़ें हो रही हैं और बायोडाइवर्सिटी को हार्म ना हो, और किस तरीके से इंश्योर किया जाए कि सारी चीज़ें सही से चले। तो ये एक स्टेप है राइट डायरेक्शन में NEIDS 2017 का। अब देखो यहाँ पर साइंस एंड टेक का ये टॉपिक है वायरस से रिलेटेड, जो कि कल या परसों में हमने डिस्कस किया था, आपको याद होगा, रिकम्बिनेंट वेरिएंट और ये सबसे रिलेटेड और जो भी चीज़ें हैं सब हमने डिस्कस की थी। थोड़ा सा याद रखो, इन्फ्लुएंजा वायरस जो है ये इन्फेक्ट कर सकता है बर्ड से भी, कैन ऑल्सो इन्फेक्ट, मतलब इन्फेक्ट हो सकता है किन में बर्ड्स में, पिक्स में, हॉर्स में और अदर डोमेस्टिक एनिमल्स में, तो ये याद रखना है, और हमने ऑलरेडी इसको डिस्कस कर लिया है। तो थैंक यू सो मच, मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और ये है हमारा शॉर्ट नोट, और आपको डाउट नहीं होना चाहिए, जो भी चीज़ें छूटती हैं वो हम कवर कर लेते हैं, क्योंकि चीज़ें रिपीट होती रहती है। जैसे आपको पता है
आरपी एक्ट, ठीक है। अब जो पहले से पढ़ रहे होंगे, एक साल पहले से, डेढ़ साल पहले से, वो ऑलरेडी डिस्कस होंगे, वो जान चुके होंगे, पर जो नए हैं उनके लिए कि वो आप जानते रहोगे तो चीज़ें रिपीट होती रहती हैं और फिर जाके यूपीएससी उस चीज़ों को पूछता है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। जब अगर कोई चीज़ इंपॉर्टेंट है तो वो बार बार पूछी जा, मतलब बार बार आता है न्यूज़ में। थैंक यू, मिलते हूँ नेक्स्ट वीडियो के लिए।